तूने मन्नत को बचाने के खातिर उस फरहान को जेल से छुड़वाया। यहाँ सब तुझ पर इल्जाम लगाते रहे और तू चुप रही। क्यों है वो? क्यों सबके ताने बर्दाश्त करती रही? क्यों सहती रही तू सुभान की नाराजगी? यहाँ इतनी बड़ी कुर्बानी देकर बैठी थी और वहां वो कायनात तुझे खरी खोटी सुनाती रही। अब मैं उसका मुंह बंद करूंगी। उसे भी पता चलना चाहिए कि मेरी नवासी अपने दिल पर कितना बड़ा बोझ लिए फिर रही है। पहले मैं उस कायनात को सबक सिखाऊंगी और उसके बाद मन्नत का वो हाल करूंगी कि वो ताउम्र याद रखेगी। नहीं, नहीं, आपको खुदा का वास्ता, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, आप कहीं नहीं जाएंगी। छोड़ दे मुझे दुआ। सबको पता चलना चाहिए कि इबू सुभान से झूठ क्यों बोलती रही। तू मुझे क्यों रोक रही है? क्योंकि इसी में हमारे खानदान की भलाई है। किसी से कुछ बन गई है। किस मिट्टी की बनी है तू इबू? वहां सब तेरे किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं। तेरा शौहर तुझे झूठी समझ रहा है। तेरी शादीशुदा जिंदगी का चराग गलत फहमी की हवा से बुझ रहा है और तू कह रही है कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। हाँ, मेरी इबू की जगह अगर कोई भी समझदार बहन होती ना तो आपसे यही कहती। मेरी इबू बहुत समझदार है, ये दिलों को जीतने का फन जानती है। मन्नत इस मामले में बहुत कमजोर है। वो अपना भला बुरा जानती ही नहीं है। अम्मी, इबादत का घर बस चुका है लेकिन मेरी मन्नत की जिंदगी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। अम्मी, अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो मन्नत का क्या होगा? कौन थामेगा मेरी बच्ची का हाथ? अम्मी, वही थामेगा उसका हाथ जिसकी जिंदगी में पत्थर लिखे होंगे। अम्मी, ये मन्नत को अगर अपनी इज्जत की इतनी परवाह है तो उस दो कौड़ी के सड़क छाप फरहान के साथ नैन मटक्का क्यों किया उसने? मन्नत ने जो किया है ना दुआ, उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। नहीं अम्मी, खुदा के लिए रुक जाइए। अम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मी मत करिए, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अम्मी, खुदा के लिए नहीं। बेटी की जिंदगी का सवाल? और ये जो इबादत की जिंदगी बिखर रही है उसका क्या? ये भी तो बेटी है ना। दुआ तो अच्छी तरह से जानती है मैं हमेशा हक के लिए बोलती हूँ, मगर आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तूने भी अपने दिल में फर्क किया है। तूने मन्नत को अपनी बेटी माना है, उसके लिए तो तड़प उठी, मगर इस इबादत को